मोहाली के जीरकपुर में पंचायती जमीन के कब्जे को लेकर करीब 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जीरकपुर के एक बिल्डर द्वारा श्यामलाल जमीन पर हल्का पटवारी को साथ लेकर निशानदेही की जा रही थी। इसका विरोध करते हुए गांव नगला वासी अवतार सिंह नगला ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह 66 के बिजली की लाइन के खंभे पर चढ़ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस द्वारा उनको नीचे उतरने के लिए कहा गया, लेकिन अवतार सिंह निशानदेही रुकवाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे बाद 70 फुट की ऊंचाई पर एक जबरदस्त धमाका हुआ और खंभे पर बैठे अवतार सिंह नगला बिजली के करंट की चपेट में आ गए और सिर्फ एक टांग के सहारे नीचे लटक गए। इसको देखते हुए अवतार सिंह के साथी भड़क गए और वहां मौजूद करीब आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, यहां तक कि एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। हंगामा बढ़ता देख DSP डेराबस्सी, SHO डेराबस्सी, SHO जीरकपुर और तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गनीमत रहे के अवतार सिंह नगला की जान बच गई, लेकिन बिजली के करंट से उनकी एक टांग व बाजू जल गई। पुलिस द्वारा अवतार सिंह को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और उसके साथियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। असी 2006-07 च पिंड वाले तो जमीन खरीदी है, उस तो बाद 2-4 बंदे पैसे लैन तो बाद बेईमान हो गए, डायरेक्टर साहब दे चले गए, उतों साडा हक लग गया। इन्होंने हाई कोर्ट अपील पाती, असी हाई कोर्ट तो जित गए, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपील पाती, असी सुप्रीम कोर्ट तो जित गए, क्योंकि असी खरीदी है, पैसे दे के रजिस्ट्री कराई है। अवतार ने भी इहदे प्यो ने नाल जाके इन्हें पैसे इन्हें ले, अवतार दे प्यो ने सहन किए, ये हुण सानू इहदे साडे नाल कोई जमीन नहीं लगती, कोई साडा झगड़ा नहीं, सानू ब्लैकमेल करके साडे तो पैसे लैंदा है। 2-4 वसी इन 2-4 लख लख करके दे भी चुके हैं, पर लेकिन ये साडी नहीं जान छड़दा। अज साडे बंदे जमीन बाहरे सी, इहदे इन्हें 5-7 बाहरों बंदे बुला के उन्हां ते तेजाब पवाता, एक दे 2-3 गंडासियां मरवातियां, सिर पाट दिता ड्राइवर का, 3-4 साड़ियाँ कारां भन दित्तियां। जो असीं आके देखन लगे इन्हां ने कारां भनतियां, ये बंदे ने लुट पाई हुई है, सारे बंदियां नूं फैक्ट्री वालियां नूं मान स्कूल वालियां नूं सब नूं ब्लैकमेल करता है। मेरा स्टाफ इत्थे डिमार्केशन देने वास्ते आया हुआ सीगा, हाँ जी, उहदे प्रोटेस्ट वास्ते भी ये होनी नहीं चाहिए, उहदे उस प्रोटेस्ट च उहदे ते चढ़ गया सीगा टावर ते, जिहनूं समझा के वापस लैंदा भी जो लीगल कार्रवाई बन दी। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 1973 ਤੋਂ ਇਹ ਚੁਕੌਤੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2006 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਔਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭੌ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਲ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 150-200 ਕਰੀਬ ਦੇ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਦ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਈ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
तो कभी ये सफेदे से चढ़ जाता, कभी SDM के दफ्तर चढ़ जाता है, तो कभी ये चीज़ा करता है। इन्हें अज भी पुलिस पार्टी आई है नाल जी, तो बड़ा पीसफुली तरीके करा रहे थे जी। अं इन्होंने आके पुलिस पार्टी पर हमला किया, पुलिस की गड्डी भी भन्नी है, मुलाजमान साढ़िया की गड्डिया भन्निया ने, उन्होंने सट्टा वगैरह भी लगिया जी मुलाजमान की। तो दो तीन बंदे प्राइवेट तौर पर भी जोड़े है केवल गर्ग जी के भी बंदे से वो भी एडमिट ने इतने हॉस्पिटल, उन्होंने सट्टा वगैरह लगिया। तो वालों कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, हमेशा ही करता है यहाँ पर परचा दर्ज करा जी। बिल्कुल ज्यादा कतल का माल माल दर्ज होगा जी, मुलाजम साढ़िया सट्टा मारिया इन्होंने काफ़ी, तो तोड़ भन्न भी की गड्डिया की साढ़िया। मुलाजम काफ़ी मुलाजम से, चार पाँच मुलाजम से जी मेरे जिहड़े निशानदेही वास्ते आए थे। पर हमने कोशिश की है कि पब्लिक को कम से कम हरासमेंट हो, हमने वाया मीडिया मतलब दूसरी लाइनों के थ्रू उनको सप्लाई देने की कोशिश की है, पर इस लाइन पे कम से कम जो है ना मतलब 2.5 से 3.5 घंटे लाइन बंद रही है। एक सर जब रेस्क्यू किया गया तो आपके मुलाजम के लिए सेफ्टी बेल्ट कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था? हमने उसी टाइम हमने रश किया क्योंकि हमें साइड की कंडीशन का पूरी तरह से पता नहीं था। तो हम जब तक हमारी TNP लेके स्टाफ आता है तो हमने हमारा जो रस्से हैं हमारे हम रस्से से भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि रस्सा जो है चाहे आदमी मोटा हो चाहे पतला हो उसको मतलब सेफली उसको उतारा जा सकता है।